नरेंद्र तो क्या आप चाहेंगे कि सारे आगे सब कुछ करेंगे। आप सब दलों को एक करेंगे, आपको जानते हैं पहले एक बार प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करेंगे। अब तो आने वाला है ना भाई, देखिए 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। भाई तीन में दो अलगे ना हो गए, तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब तो पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती है, सबके मन में था नहीं, तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। ठीक सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बेटी के क्या अंतर? साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मैंने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है। और बात सबका मैं आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर गए, इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं, एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या है? मोदी जी हम क्या देखिए, इन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को रोकने एक महीने के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, बंपर नौकरियां हम लोग निकालेंगे। ये तेजस्वी यादव थे, किसी के तौर पे कह रहे थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में बेहतर शासन चलेगा।